प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं मुकेश कुशवाहा, आप देख रहे हैं टेक्नो कुशवाहा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेके आया हूं, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं कि रवि मंडल की एक बेटी भी है और उससे मिलने के लिए आई है। करीब 10 साल बाद उसे एक बेसहारा के रूप में सूर्य रवि मंडल को छोड़ा गया था। आज दोस्तों वो करोड़ों लोगों के दिलों पर छा जाने वाली एक बॉलीवुड की एक क्वीन बन चुकी है, जो कि सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है। तो दोस्तों वह उसकी बेटी उससे मिलने के लिए क्यों आई और किसके लालच में उससे मिलने के लिए आई थी, क्योंकि आज 10 साल पहले तो वो रवि मंडल से मिल नहीं सकी, क्योंकि उसे बेसहारा के रूप में छोड़ दिया गया था। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारी वीडियो के नीचे जो रेड कलर में आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसे दबा करके चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी इंटरव्यू बाद। तो दोस्तों रेणु मंडल की बेटी को अगर नहीं जानते हैं, क्योंकि रेणु मंडल जो कि एक राणा घाट के स्टेशन पर अपना गा बजा करके अपना पेट का गुजारा करती थी, तो दोस्तों किसी शख्स ने उसका वीडियो बनाया तो इसका वीडियो किसी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, तो लोगों ने उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया और जो कि उसके मिलनों में भी जाए काफ़ी ज़्यादा लाख से आए। तो आज उसको हिमेश रेशमिया को भी अपने उसने हिमेश रेशमिया ने उनको साथ भी ले लिया है कि अपने स्टूडियो में गाना बनाने के लिए। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी इस वीडियो को देख करके अपनी रेणु मंडल को, तो उसकी बेटी को पता चला कि ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी हैं और कि आज बॉलीवुड में भी पहुंच गई हैं, कि जो कि काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटी सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, तो उससे मिलने के लिए उसकी बेटी भी आ गई है। तो दोस्तों दौलत और शौहरत उसके पास है जब उसकी बेटी मिलने के लिए आई है, क्योंकि आज से 10 साल बीत गए, 10 साल उसे बेसहारा के रूप में उसे प्लेटफार्म पर छोड़ दिया गया कि 10 साल से उसे किस तरीके से अपने पेट का गुजारा करती थी, जो कि भीख मांग करके गुजारा करती थी। आज उसके पास दौलत और शौहरत उसके पास है, तो उससे मिलने के लिए उसके रिश्तेदार न जाने के लिए उसको नहीं जानती थी कि एक बेसहारा के रूप में उसे छोड़ा था, आज उससे मिलने के लिए काफ़ी लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, जहाँ तक कि उसकी बेटी को, क्योंकि बेटी की आत्मा कितनी होती है, जो कि उससे 10 साल पहले उससे मिलने के लिए कोई नहीं आता, कि न जाने कहाँ और किस जगह है। तो दोस्तों ये इस वीडियो में आपको ये बताने वाला था कि दौलत और शौहरत के को हर कोई चाहता है, कौन नहीं चाहता कि दौलत और शौहरत उसके पास है, तो उससे बड़े बड़े मिलने के लिए लोग आते हैं। तो दोस्तों आज उसके पास कुछ नहीं होता, क्या उसको रेणु मंडल को कोई जानता? दोस्तों जमीन से लेकर आसमान तक छू लेने वाली एक रेणु मंडल नाम की औरत जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है। तो इस तरीके से रेणु मंडल को अगर आप भी इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो दोस्तों आप अच्छे से अपने कंटेंट में ध्यान दीजिए और अपना अच्छा कंटेंट बनाइए। तो ऐसी बात नहीं है कि सोशल मीडिया पर किसी दिन आप तो वायरल हो गई होगी, तो उससे मिलने के लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो उसको आज कम से कम वो करोड़ों में ही खेल रही है, जो कि एक ज़मीन पर रहने वाली औरत को और किस तरीके से बॉलीवुड की बड़ी सेलिब्रिटी उसे मिली है, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे उसके गायक और यहाँ के सलमान खान, ये सभी टोटल इसमें सुपरस्टार हीरो हैं, तो उनसे आज मिल रही है, तो उससे लालच में तो काफ़ी लोग उसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताने वाला था। तो दोस्तों वीडियो हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो और नई टेक्नोलॉजी साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।